नमस्ते इंडिया, आई एम रिया वर्मा फ्रॉम सॉल्वी कंस्ट्रक्शन। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हमारा फुटिंग था वो हो गया, उसके बाद हम लोग शटरिंग कैसे करते हैं। शटरिंग मीन्स हम लोग फॉर्म वर्क कैसे करते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो, अगर आप ओनर हो, अगर आप घर बनवा रहे हो, बिल्डिंग बनवा रहे हो, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो, ताकि आपको भी डिफरेंसेस पता चल जाए कि शटरिंग क्या होता है, सेंटरिंग क्या होता है, फॉर्म वर्क क्या होता है, स्टेजिंग क्या होता है। ये चार टर्म है, टेक्निकल टर्म, जिसको आप एज ए स्टूडेंट, एज ए ओनर, एज ए इंजीनियर आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप इंटरव्यू में अगर जाते हो तो अगर आपको पूछ दिया सेंटरिंग क्या है, स्टेजिंग क्या है, अगर आप ये नहीं बता पाए तो फिर आपका कितना अच्छा भी कुछ रिप्लाई दे दो तो आप, हमको नहीं लगता कि आपको वो रखेगा फिर, क्योंकि एकदम ये बेसिक टर्म है। तो सबसे पहले जो हम लोग का फॉर्म वर्क आता है, फॉर्म वर्क मतलब हम लोग कोई भी चीज़ बनाते हैं, एक हम लोग टेम्पररी ढांचा बनाते हैं जिसमें आप कंक्रीट को डालोगे तो वो उसी शेप का बन जाएगा, उसी को बोलते हैं फॉर्म वर्क, टेम्पररी मोल्ड टू गिव फाइनल शेप। ठीक है, तो फॉर्म वर्क समझ में आ गया। जैसे कि आप बॉटल में पानी रखते हो तो बॉटल क्या हो गया, फिलहाल टेम्पररी मोल्ड है, पानी आप डाले तो पानी क्या किया, बॉटल का शेप ले लिया। उसी तरह से हम लोग टेम्पररी एक मोल्ड बनाते हैं फाइनल शेप देने के लिए कंक्रीट को, उसी को हम लोग फॉर्म वर्क बोलते हैं। और फॉर्म वर्क के अंदर ही आता है सेंटरिंग, शटरिंग, स्टेजिंग। तो ये तीन टर्म क्या है। अब आप कहीं भी जाओगे, मुझे बोलोगे कि मुझे फॉर्म वर्क लेना है, हमको ढलाई वगैरह हो रहा है तो हमको ये लेना है, हमको फॉर्म वर्क दे दीजिए, तो वो क्या दे देगा, लकड़ी दे देगा। आप बोलिए हमको शटरिंग दे दीजिए, तो वो क्या दे देगा आपको, प्लाई दे देगा, सेंटरिंग दे दीजिए, तो आपको डिफरेंस पता नहीं चल पाता। आप बस बोल देते हो हाँ शटरिंग मीन्स की प्लाई जो हम लोग लगाते हैं वो, सेंटरिंग में भी जो प्लाई लगाते हैं वो, बट जो मेन डिफरेंस है इन तीनों का, नाम जो अलग है, सेंटरिंग, स्टेजिंग और जो भी नाम है, तो ये अलग नाम क्यों है, तो इसका जो टर्म है आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा है शटरिंग। जो शटरिंग है वो वर्टिकल मेंबर के लिए यूज होता है। सपोज कि आप कॉलम बना रहे हो तो वर्टिकल मेंबर में जो आपका प्लाई आएगा, जो आप फॉर्म वर्क करोगे तो वर्टिकल मेंबर में जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं शटरिंग। और जो हमारा सेंटरिंग है वो हमारा हॉरिजॉन्टल मेंबर के लिए आता है। जैसे कि आप स्लैब कास्ट कर रहे हो तो हॉरिजॉन्टल मेंबर में जो भी आपका लगेगा फॉर्म वर्क होगा उसको हम लोग सेंटरिंग बोलते हैं। और जो हमारा स्टेजिंग होता है, जैसे कि आप स्लैब कास्ट कर रहे हो तो आपका ये जो फॉर्म वर्क हो गया सेंटरिंग, उसके बाद आप जो प्रॉम्प्ट्स देते हो ताकि वो जो जितना भी लोड आए वो उसको अपने ऊपर ले ले, जो बांस लगा देते हैं ना हम लोग, तो वो अपने ऊपर सारा लोड को ले ले और वो डिफ्लेक्ट ना करे, वो टूटने ना दे स्लैब को जब तक कि वो पूरे अच्छे से कास्ट नहीं हो जाता, तो उसको हम लोग स्टेजिंग बोलते हैं। तो आपको ये तीन चीज़ का डिफरेंस समझ में आ गया। अब सपोज आपको कोई बोले कि हमको बीम कास्ट करना है तो बीम में हम क्या लेंगे, सेंटरिंग लेंगे कि शटरिंग लेंगे। तो गाइज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए अगर आप लोगों को समझ आ गया है तो, और अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो के आगे तक बने रहिए। तो हमारा बीम में एक चीज़ नहीं आएगा, सेंटरिंग और या शटरिंग दोनों में से कोई एक चीज़ नहीं आएगा। बीम में हमारा दोनों आता है, क्योंकि बीम का जो बॉटम में हम लोग फॉर्म वर्क करते हैं वो हमारा सेंटरिंग हो गया, और जो बीम का साइड में हम लोग देते हैं जो वर्टिकल मेंबर हो गया वो हमारा शटरिंग हो गया। तो हमारा जो बीम है उसमें हमारा शटरिंग, सेंटरिंग दोनों आएगा। फिर बीम कास्ट करने के लिए नीचे हम लोग स्टेजिंग करेंगे तो सारा कुछ आएगा। तो आप पर्टिकुलर नहीं बोल सकते कि मुझे सेंटरिंग ही करना है, शटरिंग ही करना है, वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है। और आपको स्लैब कास्ट करते हैं तो वो आपका सेंटरिंग में आता है, क्योंकि वो जो स्लैब है उसमें आपको हॉरिजॉन्टली बिछाना पड़ता है। आपको सेंटरिंग, शटरिंग, फॉर्म वर्क, स्टेजिंग, ये सब का मीनिंग पता चल गया टेक्निकल टर्म में। आप इंटरव्यू में भी आपका मदद कर सकता है, और आप घर बनवा रहे हो तो ये भी आपको मटेरियल कौन सा लाना है शटरिंग, सेंटरिंग, तो उसमें भी आपको हेल्प कर सकता है। और आपका फॉर्म वर्क पे एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, एक ऑयल आता है शटरिंग ऑयल, तो वो जो ऑयल होता है वो आपको फॉर्म वर्क में लगा के उसके बाद कंक्रीट को कास्ट करना है। क्योंकि फिर फॉर्म वर्क में आप कंक्रीट कास्ट कर दोगे तो क्या होगा कि वो अच्छे से हट नहीं पाता है फॉर्म वर्क जो भी प्लाई है, तो उसमें पहले से ऑयल लगाना पड़ता है ताकि वो कंक्रीट अच्छे से वहाँ से हटा, हम लोग फॉर्म वर्क को हटाए तो फिर कंक्रीट में हम लोग का इफेक्ट ना करे। इस वीडियो में हम लोग अभी का जो हम लोग का प्लेलिस्ट चलता आ रहा था, एक्सकवेशन हो गया, सारा कुछ हम लोग जमीन से लेते हुए बढ़ रहे हैं, तो हमारा जो है शटरिंग तक काम हो गया, फुटिंग वुटिंग का शटरिंग हो गया। अब हम लोग जानेंगे कि फिलिंग क्या करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिलिंग के ऊपर बात करूंगी। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टू बिल्ड योर ड्रीम डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड रिंग द बेल आइकन। बाय बाय।